नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। किस तरह एमपी के रास्ते यूपी में आतंक ने पनाह ली, कैसे मध्य प्रदेश में धमाका हुआ और उसके तार यूपी से जुड़ गए, कैसे 11 घंटे पुलिस ऑपरेशन आतंकी एंड करती रही और कैसे पुलिस नेटवर्क का फेल्योर सामने आया, देखिए खास रिपोर्ट में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। एमपी में धमाका, देश में गूंज, आतंक का पटाखा, नींद गई टूट। लखनऊ में खौफ, बाराबंकी को भी दहलाने की साजिश। 11 घंटे चला ऑपरेशन टेरर एंट, देश में पहली बार आईएसआईएस का हमला। यूपी एमपी में बगदादी, मध्य प्रदेश के शाजापुर में मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ, इसमें 10 लोग घायल हुए, लेकिन जैसे ही इसकी जांच हुई तो खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। जांच में पता चला कि एक आतंकी हमला था जिसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अंजाम दिया था। हमारी एटीएस मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल बनाकर, मुझे बताते हुए खुशी है कि चंद घंटों के अंदर ही इन तीनों आतंकियों को पिपरिया में दबोच लिया। इनका मास्टरमाइंड था अतीफ मुजफ्फर, ये कानपुर का रहने वाला था। इसके साथ मोहम्मद दानिश जो कानपुर का निवासी था और सैयद मीर हुसैन जो कन्नौज का निवासी था, ये दोनों भी पकड़े गए। योजना इनकी ये थी कि पुष्पक से आए, भोपाल स्टेशन पर पाइप बम रखें और तीसरे डायरेक्शन में पिपरिया से होते हुए जबलपुर इलाहाबाद होते हुए फिर लखनऊ पहुंच जाएं। लेकिन मैं केंद्रीय एजेंसियों का भी धन्यवाद अदा करता हूं, बेहतर सामंजस्य के कारण, बेहतर तालमेल के कारण ये तीनों आतंकी पकड़े गए। लखनऊ के चौथे आतंकी के का भी पता लगा जो घर की देखभाल करता था, और इस कारण ये खतरनाक आतंकी और बड़ी वारदात को अंजाम देते इसके पहले पकड़ लिए गए। एमपी सरकार की नींद तो उड़ी, कुछ ही देर में एक बड़ा खुलासा हुआ। सीसीटीवी की निशानदेही पर पिपरिया से इस वारदात को अंजाम देने वाले कुछ संदिग्ध आतंकियों को शिकंजे में लिया गया। तभी इंटेलिजेंस एजेंसियों से खबर मिली कि लखनऊ में एक आतंकी घर में दाखिल हुआ है। देखते ही देखते वहां पुलिस, एटीएस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया। रुक रुक कर आतंकी सैफुल्ला फायरिंग कर रहा था, लेकिन एटीएस उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। एटीएस बार बार सैफुल्ला से ये कह रही थी कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन अंदर से जो जवाब आता था उसे सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते थे। सैफुल्ला बार बार कह रहा था कि सरेंडर नहीं, शहादत देगा। करीब 11 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया गया। यूपी एटीएस की तरफ से इस समय है, हमने रात को 3 बजे ऑपरेशन को पूरा किया था। उसके बाद में रूम की सर्च की गई और सैफुल्ला की बॉडी की सर्च की गई, तो अंदर से भारी मात्रा में शस्त्र बारूद, बम बनाने का सामान आदि मिला। कुल 8 पिस्टल और लगभग 600 से ऊपर राउंड्स बरामद किए गए हैं। पाइप बॉम्ब्स और दूसरी तरीके के बॉम्ब्स बने, अध बने और उनको बनाने की सामग्री बरामद की गई है। कैश और गोल्ड, पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब भी बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि फोन्स आदि भी उसमें से रिकवर किया गया है, जिससे कि हम लोग डेटा को अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिकवर करेंगे। जो अभी तक बात निकल करके आ रही है कि भोपाल में कल सुबह एक, भोपाल के पास एक ट्रेन में कल सुबह ब्लास्ट हुआ था, उस
ब्लास्ट में यहाँ इस मकान में रहने वाले 3 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और सैफुल्ला जो कि मुठभेड़ में रात को मारा गया इस ग्रुप का एक सक्रिय मेंबर है और वो इस स्थान पे रुका हुआ था और बॉम्ब्स यहीं पे तैयार किए गए थे और यहाँ से ले जा करके भोपाल के पास ट्रेन में डाल दिए गए थे। यूपी एटीएस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। आज 20 से ठीक 12 घंटे पहले यूपी एटीएस एक आतंकवादी से लड़ रही थी और हथियारबंद उस आतंकी से जवाब तलक फायरिंग भी हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। अभी से आपको दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है, ये वही मकान था जहाँ पर यूपी एटीएस ने एक आतंकी को मार गिराया है और इस घर के अंदर एक आतंकी था जिसका नाम सैफुल बताया जा रहा है, जिसके तार जो है आईएसआई से होने जुड़े की आशंका है। तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं वो यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की है। एटीएस ने इस पूरे ऑपरेशन को सफल कामयाब किया है। महज 12 घंटे की ये पूरी ऑपरेशन टीम चली थी जिसके बाद अब सफलता मिली है, लेकिन साफ यही बताया जा रहा है जो सैफुल नाम का व्यक्ति है वो 12 घंटे से पिछले लड़ रहा था एटीएस से और अब फिलहाल उनको ये कामयाबी हासिल हो रही है। यूपी एटीएस आईजी का जो आसिम मदन जो कहना है कि उसके पास ऑटोमेट हथियार थे, उसके हाथ में चाकू था और उसके पास जो पीठ पर बैग लदा हुआ है उस पर एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। इस बात को देखते हुए बीडीएस की टीम भी मौके पर बुलाई गई है और बीडीएस की टीम उस बात की पड़ताल कर रही है और आखिरकार ये छानने की जरूर कोशिश करें कि जो सैफुल नाम का व्यक्ति था वो कब से यहाँ पर रह रहा था, क्या उसके मंसूबे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कल ट्रेन ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के यहाँ पर इनपुट जरूर उनको मिला था, कानपुर में भी जिस तरीके से इनपुट मिला था वहाँ पर कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये व्यक्ति यहाँ पर क्या करने आया था, लखनऊ में कितने दिनों से रह रहा था और क्या उसके मंसूबे थे। हम आपको एक नज़ारा और दिखाना चाहेंगे। यहाँ से पीछे कुछ ही दूर यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, वो एम्बुलेंस जो है वो बाराबंकी से मंगाई गई है। बाराबंकी यानी कि लखनऊ में यूपी 32 की एम्बुलेंस नहीं है, आप इसके नंबर प्लेट पर अगर ध्यान देंगे तो यूपी 41 की एम्बुलेंस है। अब से कुछ ही देर बाद जो आतंकी मार गिराया गया है वो उसी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। फिलहाल एटीएस इस बात का इंतजार कर रही है कि यहाँ पर मीडिया की अगर भीड़ छटेगी तो उसके बाद उसको वहाँ पर उस एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा। फिलहाल इस बात की जरूर कवायद चल रही है, इस तमाम वादे चल रहे हैं कि आखिरकार उसके आतंकी के पास क्या चीज़ें थी, आखिरकार आतंकी क्या करने आया था, इस तमाम सवाल जो हैं वो बड़े देखने वाले हैं। आज शाम एटीएस एनएक्सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उन तमाम सवालों के जवाब देगी, जिससे कि मीडिया पर एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये आतंकी कहां पनप रहा था और किसके इशारों पे चल रहा था। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। आतंकी सैफुल्ला को एटीएस ने एनकाउंटर में ठेर कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे इतने दिनों से सैफुल्ला लखनऊ में अपना ठिकाना बनाए हुए था और लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि आतंकी सैफुल्ला का प्लान लखनऊ को दहलाने का था। खतरा टला नहीं, बाकी है। निशाने पर धार्मिक स्थल, बगदादी के मोहरों की करतूत, देशभक्त पिता का आतंकियों को जवाब, नहीं लूंगा देशद्रोही का शव। यूपी एमपी में बगदादी के मोहरों की एंट्री हो चुकी है, इसलिए अब इनके और किसी हमले की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। एजेंसियों के मुताबिक ये आईएसआईएस की ओर से बड़े हमले के लिए एक ट्रायल था। हमले का अंदेशा अभी बरकरार है। आतंकियों के नापाक मंसूबे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सामने आ सकते थे, लिहाजा तफ्तीश की हर तह को खंगाला जा रहा है। रात को 3 बजे ऑपरेशन को पूरा किया था, उसके बाद में रूम की सर्च की गई और सैफुल्ला की बॉडी की सर्च की गई तो अंदर से भारी मात्रा में शस्त्र बारूद, बम बनाने का सामान आदि मिला। कुल 8 पिस्टल और लगभग 600 से ऊपर राउंड्स बरामद किए गए हैं। पाइप बॉम्ब्स और दूसरी तरीके के बॉम्ब्स बने, अधबने और उनको बनाने की सामग्री बरामद की गई है। कैश और गोल्ड, पासपोर्ट्स
और डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब भी बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि फोन्स आदि भी उसमें से रिकवर किया गया है, जिससे कि हम लोग डेटा को अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिकवर करेंगे। इस बीच आतंकी सैफुल्ला के पिता ने बेटे की लाश लेने से इनकार कर दिया। सैफुल्ला के पिता सरताज ने मीडिया से कहा कि जो देश का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। पुलिस टीम ने सैफुल्ला के पिता से लखनऊ चलने को कहा था, लेकिन सैफुल्ला के घर में हर किसी ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। आपको सैफुल्ला के बारे में कब पता चला? हमको तो कल ही शाम को पता चला। आपकी बात हुई थी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं। तो आपने बॉडी लेने से क्यों इनकार कर दिया? देखिए, एक चीज ये थी कि 2.5 महीने पहले जब ये हमको बहुत बहुत कहा करते थे कि ऐसा है कि भाई तुम जो है काम किया करो, वो सुनता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर बाहरी रहते थे, घूमने निकल गए, देर लेट आवर्स में आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। तो उसमें हम थोड़ा सा नाराज इनसे रहने लगे। एक दिन ये हुआ कि फिर हमने जब काम में नहीं करने जाने लगे तो हमने इनकी पिटाई कर दी और बहुत डांटा और मारा भी। इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है कि इस पूरे मॉड्यूल में ISIS के खुरसान मॉड्यूल का हाथ माना जा रहा है। तहरीके तालिबान के बड़े हिस्से ने मिलकर इस समूह का गठन किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सक्रिय है। बगदाद के साथ साथ बांग्लादेश में भी ये समूह आतंकियों को रिक्रूट करता है। भारत में ISIS से जुड़े आतंकी बांग्लादेश जाकर इस समूह से जुड़ते हैं, या फिर आतंकी ऑनलाइन इन्हें ट्रेनिंग देकर भारत में हमलों की साजिश रचते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बड़े सवाल सामने हैं। कैसे हुआ ISIS के नेटवर्क का खुलासा? इंटरनेट से और किस किस को दी जा रही है ट्रेनिंग? अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि देश में पहली बार आतंक के सरगना बगदादी के मोहरों की साजिश से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। संवाददाता शिवा शर्मा, लाइव टुडे। आखिर कैसे इतने दिनों से सैफुल्ला लखनऊ में अपना ठिकाना बनाए हुए था? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो अब सामने आ रहे हैं। डीपी शुक्ला जी हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ गए न्यूज रूम से। डीपी जी, जिस तरीके से 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आज सैफुल्ला मारा गया, लेकिन अपने पीछे तमाम सारे सवाल छोड़ गया। ISI कनेक्शन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक जिस तरीके से ISI कनेक्शन आ रहा है, साफ तौर पर बगदादी मारा गया, लेपिंग स्लिपिंग सेल्स कहीं ना कहीं अभी भी एक्टिव है। मुठभेड़ हुई है काकोरी लखनऊ इलाके में, वो मुठभेड़ 13 घंटा तक चला है, बड़ा साहसिक मुठभेड़ था। ATS के IG असीम आरोप के नेतृत्व में 20 कमांडो ने मोर्चा संभाला, लंबी मुठभेड़ चली। उस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। अपने रिपोर्टर शिवा शर्मा से, शिवा, कल जिस तरीके से आपने हमें दिन भर से लेकर रात 3 बजे तक, मुझे याद, अच्छी तरीके से आपने अपडेट दिया, लेकिन अब खबर आ रही है कि बाराबंकी में हाई अलर्ट, बाराबंकी के धार्मिक स्थल को उड़ाने की धमकी दी गई है। बाराबंकी पुलिस का जबरदस्त जो है वो चेकिंग अभियान है। फिलहाल किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? देखिए आलोक, आपको बता दें कल ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिल्ली से हाई अलर्ट जारी कर दिया था। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य और जिलों के राज्यों को अलर्ट कर दिया गया था, उनकी पुलिसिंग को अलर्ट कर दिया गया। जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जितने भी उनके हेरिटेज है, जितनी भी उनकी सेंसिटिव एरियाज है, उन पर लगातार चेकिंग करें, उन पर लगातार देखें कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, अगर कोई हथियारबंद बदमाश पाया जाता है तो उसको तुरंत गिरफ्त में लिया जाए। इसी कड़ी में आज बाराबंकी जिले में भी चेकिंग चली थी। देवा शरीफ यहां पर बहुत फेमस माना जाता है, बहुत पुराना धार्मिक स्थल भी है, इसको लेकर के सैकड़ों लोग यहां पर रोज आते हैं, जिसमें आज देवा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सिराज अहमद उसका नाम बताया जा रहा है, कानपुर का रहने वाला है। फिलहाल अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम पड़ पाया कि आखिरकार वो कौन है। कानपुर से पुलिस उसको संपर्क करने की कोशिश कर रही है, फिलहाल उसके आला अधिकारी उसके टच में हैं, और आगे देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार वो शख्स है, वो यहाँ क्या करने आया था, किस तरीके की यहाँ पर वारदात को अंजाम देने आएगा। लेकिन अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल होगा आलोक कि किस तरीके का वो आदमी है। फिलहाल एक संदिग्ध जो है वो देवा कोतवाली बाराबंकी पुलिस की गिरफ्त में है।
बिल्कुल बाराबंकी के धार्मिक स्थल को कहीं ना कहीं उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन शिवा बड़ी बात यह है कि चाहे वो स्टेशन का नक्शा बरामद हो या फिर तमाम सारी चीजें, लेकिन जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं उनका धार्मिक स्थल को उड़ाने के पीछे ही उनकी साजिश यही थी, मोटो यही था मेन कहीं ना कहीं इन आतंकियों का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो मध्य प्रदेश की बात हो। देखिए आलोक, आपको बता दें कि जिस खरी में परसों ब्लास्ट हुआ था मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से ट्रेन ब्लास्ट हुआ था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई और अन्य ट्रेनों में ब्लास्ट हुआ था, वो कड़ी यही बताई जा रही थी, क्योंकि आतंकवादियों को जो ट्रेंड है वो ट्रेन में ब्लास्ट करने का है, पटरियों को काट देने का। आलोक, आपको कल भी फिर से ये बताया गया था, एटीएस लगातार इस चीज पे लगी हुई, एसटीएफ लगातार इन बातों पे लगी हुई कि आखिरकार रेल को डिरेल करने की घटना जो है वो आखिरकार क्यों अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में कल जो सैफुल्ला के जो घर पे जो एक पूरा मैप मिला था, पूरे इंडियन रेलवेज का एक पूरा मैप मिला हुआ था, उससे वो जरूर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर रेल को डिरेल करने की कोशिश है। लेकिन धार्मिक स्थलों को यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे बाराबंकी जिले में इस वक्त हम खड़े हुए, यहाँ पर मौजूद हमारे साथ काफी लोग है, पुराने वर्ग के लोग भी है यहाँ पर व्यापारी, आइए इनसे बात करते हैं, आखिरकार जानते हैं कि आखिरकार यहाँ कभी किसी तरीके का खतरा मंडरा है, आखिरकार भगवान न करे अगर ऊपर वाले कभी कोई अनहोनी होगी तो सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बाराबंकी पुलिस बाराबंकी प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। ये बताइए, अभी तक तो यहां पर फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से कल लखनऊ में एटीएस की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था, अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो यहां पर क्या आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है? यहां पर जो धार्मिक स्थल है देवा शरीफ की, चाहे हम बात करें उसके बाद, क्या वो पूरी सुरक्षा मुस्तैद है? यहां पर पुलिस की कड़ी निगरानी है? जी हां, वो ऐसा है कि हम लोग यहां अमन चैन से जो है, आवाम को कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है, आवाम को कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है, अमन चल से हैं, और कोई भी जो रिश्तेदार यहाँ का कोई फिक्र न करे जो यहाँ है, हम लोग यहाँ देवा वाले हिंदू मुस्लिम आदमी सब आदमी जो है हिल मिल के रहते हैं, और कोई दिक्कत जो है यहाँ पर जो है ना पुलिस से है ना कोई है, कोई फिक्र की बात नहीं है, है ना। आलोक, आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर अच्छा रिवाज है, यहाँ दोनों मिलजुल के रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई खतरा नहीं, इनका साफ तौर से कहना जी। आइए हम एक और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, बुजुर्ग है, काफी पुराने हैं, ये बताइए इस तरीके की जो बात निकल के आ रही थी, आप यहाँ पर बताइए कि क्या व्यवस्था है यहाँ की, देवा शरीफ है यहाँ की व्यवस्था बहुत सही है, आसानी पर सहूलत मिलती है, बात मतलब रहने की खाने की, और दूसरी बात यहाँ हर धार्मिक स्थान हिंदू मुस्लिम सभी आता है, और यह अच्छा आस्थाना है, अरे व्यवस्था अच्छी है, कोई यह दिक्कत नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, सब एकता है यहाँ पर। आलोक, आपको बता दें कि जिस तरीके की ये लोग बातें कह रहे हैं, तो इनको पूरा विश्वास है बाराबंकी पुलिस पर, बाराबंकी प्रशासन पर, कि यहाँ पर जो मुस्तैदी है वो फिलहाल ठीक है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग मिलकर के रहता है और हर तरीके की खुशियां मनाता है। और आपको बता दें कि जल्दी होली आने वाली है, 12 से 13 तारीख को यहाँ पर वो दोनों वर्ग इस होली को मिलकर के मनाते हैं। जी बिल्कुल शिवा, कभी सोचता हूं ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी क्यों देश के लिए सिरफेरों की निगाहें अलग है। आपने भी तमाम लोगों से बात की, किस तरीके से कहीं कोई हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ नहीं है, लोगों में किस तरीके से आपसी सौहार्द का माहौल है वहां पर। मैं चाहूंगा जरा आपने जो आपके कैमरा सहयोगी जो है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जरा कैमरे को पैन करके दिखाएं वहां पर किस तरीके की और तस्वीर नजर आ रही। बिल्कुल आलोक, यही चाहूंगा कि अपने कैमरा पर्सन से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ की जो रौनक है, उसको दिखाने की जरूर कोशिश करें। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो काफी युवा वर्ग में है, बुजुर्ग भी लोग हैं, वो यहाँ पर जानते हैं कि देवा में किस तरीके से यहाँ पर जो रीति रिवाज चला रहा है उसको किस तरीके से निभाते हैं, कैसे शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, कैसे ये दोनों वर्ग मिलजुल करके हर खुशी को मनाते हैं। बस इनका बस एक सोच यही रहती है कि जिस तरीके से लखनऊ में जो कल हुआ वो शायद बाराबंकी में ना हो, ऐसा कभी दिन देखने को ना आए कि इस तरीके की आतंकी घटना कभी बाराबंकी में देखने को मिले, मुठभेड़ हो और ऐसा एक वर्ग उसमें निकल के आए जो इनसे इनको नागवारा हो। तो बिल्कुल शिवा हमारे साथ बने हुए थे, शिवा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस तरीके से आपने हमें जानकारी दी। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, लखनऊ में मुठभेड़ के बाद बाराबंकी में हाईअलर्ट और बाराबंकी के धार्मिक स्थल को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, इस खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।